शाहरुख खान ने सब मारा एंट्री हो गया। शाहरुख, मैं तो बोलता हूँ कि शाहरुख खान और सलमान खान को पिक्चर बनाना चाहिए साथ में। स्पेशली उसने जो बोला ना, शाहरुख खान आने के बाद प्रेजेंस नहीं दिया, वो दे भी नहीं पाएगा। बॉस वो मतलब अनबिलीवेबल है, मेरे को अभी भी गुजबम आ रहे ना। वो जो एक मोमेंट आया ना, वो शाहरुख और सलमान का, मतलब माइंड ब्लोइंग मतलब माइंड ब्लोइंग है बॉस। कोई बेस्ट मोमेंट? करण अर्जुन की याद दिला दी, शोले की याद दिला दी, जय और वीरू की, अमेजिंग काम किया, मतलब बहुत मजा आया यार। आप जाके देखिए मूवी। और एक तो शाहरुख खान का काम अच्छा लगा, बाकी सब बेकार है ये। अरे एक नंबर, शाहरुख भाई ने और सलमान भाई ने मिलकर फाड़ दिया। करण अर्जुन बननी चाहिए, करण अर्जुन एक नंबर, मजा आ गया। इतना शाहरुख खान ने सब मारा एंट्री हो गया, धर्मवीर करण अर्जुन वही एंट्री हो गया लास्ट में, आई के नहीं। सलमान कैसे लगा? अच्छा लगा, एकदम फाइन, सुपर स्टार। शाहरुख, मैं तो बोलता हूँ कि शाहरुख खान और सलमान खान को पिक्चर बनाना चाहिए साथ में, हाँ तभी ये काम करेगा, अच्छा काम करेगा। शाहरुख और सलमान को होनी चाहिए पिक्चर में। ऐसा है बेसिकली, वो आदमी जो अभी बकवास करके गया है कि भाई का सीक्वेंस अच्छा नहीं था, भाई का एक्शन, और स्पेशली उसने जो बोला ना, शाहरुख खान आने के बाद प्रेजेंस नहीं दिया, वो दे भी नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि सलमान ने जब कैमियो दिया था, सलमान के ऊपर पूरा फोकस दिया था उस पिक्चर का। अगर आप लोग सब ने देखा है, तो उस चूतिए ने भी देखा होगा, तो उसको मालूम होगा भाई जहाँ खड़ा है वहाँ सिर्फ भाई ही दिखता है, और ये फैक्ट है। और भाई से अरे तो अरे भाई देखो भाई, यूनिवर्स किसने चालू किया था? यूनिवर्स फैंस तो कैसे होते हैं ना कि अरे शाहरुख आया तो इसके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। यूनिवर्स इससे पहले आया किसने? पिक्चर बचाने को ना आया उसकी सबसे पहले हम लोग, मैं खुद, मेरे जितने दोस्त हम लोग जितने सलमान फैन, कम से कम 50 जन एक साथ जाके मूवी देखे थे शाहरुख खान की। क्यों देखे थे? क्योंकि पिक्चर में भाई थे। कितनी देर भाई ने एक्शन किया वो पूरी पिक्चर में, आप खुद बोल लो मुझे, पठान में शाहरुख खान कैसा मार खा रहा है पूरी पिक्चर जॉन अब्राहम से। भाई ना तो खाता है ना सहके लेता है, वो एक तो जोड़ पे तोड़ पूरी पिक्चर उसने दिया, और वो लोग का तड़का लगा इस बार बॉस, वो मतलब अनबिलीवेबल है, अनबिल। मेरे को अभी भी गुजबम आ रहे ना, वो जो एक मोमेंट आया ना, वो शाहरुख और सलमान का, मतलब माइंड ब्लोइंग मतलब माइंड ब्लोइंग है बॉस। कोई बेस्ट मोमेंट? क्या तगड़ा वो मोमेंट कैसा लगा जब शाहरुख आए? वो तो वो नहीं, वो आए हैं कि नहीं आए, ये मतलब ये अभी आप लोग को ट्रेलर और इन सब में पता चला है, बाकी अभी तो अंदर आके आपको पता चलेगा। बढ़िया, एक से बढ़िया, बहुत बढ़िया मोमेंट है। सच बोलने को क्या है, पठान में जैसे भाई का एंट्री था ना, वह थोड़ा कम लगा उससे। पठान में जो भाई का एंट्री था ना, एकदम धासु था, थोड़ा शाहरुख वाला थोड़ा सा कम लगा, बस उतना ही। नहीं नहीं, बढ़िया था। नहीं नहीं, दोनों भाई हैं, दोनों करण अर्जुन हैं, और बहुत ही तगड़ा एंट्री था। अब वो कैसा है, ये हमारे भाई सलमान भाई के फैन है करके, लेकिन हम कैसा है कि भाई जब करण अर्जुन हैं और आगे भी आने वाले हैं, तो फिर बहुत भाई ने पठान में जो एंट्री किया था और शाहरुख ने इसमें एंट्री किया, कौन सी आपको बेटर लगी? टाइगर 3 में जो एंट्री जो भाई की है, जो शाहरुख खान की जो एंट्री है इसके अंदर, स्पॉइलर देना नहीं चाहूँगा, बट बहुत आउटस्टैंडिंग एंट्री। आप लोग आइए, देखिए, फील करिए, और जो आपको जो गूज़बम्स आएंगे ना, वो आप फील करिए इसके अंदर। क्या या शाहरुख का भी कैमियो अच्छा था, मुझे फिर भी लगता है भाई का ज़्यादा इम्पैक्टफुल था, ये भी अच्छा था, लेकिन भाई का स्क्रीन प्रेजेंस में भाई को कोई मैच नहीं कर सकता। स्पॉइलर मत देना, सलमान खान की पठान में एंट्री थी और शाहरुख की, आपको कौन सी? सलमान भाई की एंट्री ज़्यादा अच्छी थी पठान में, और लेकिन यहाँ पे भी शाहरुख खान ने भी काफ़ी अच्छी एंट्री करी, लेकिन सलमान खान की बात ही अलग है। तो उनकी एंट्री पठान में किसी को एक्सपेक्टेड भी नहीं थी, यहाँ तो एक टाइप से पता ही था कि शाहरुख खान आने वाले हैं, वहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं था कि सलमान भाई आएंगे, तो बहुत अच्छा लगा था उसे। देखिए सलमान, अगर हम सलमान फैन हैं, सलमान हमारे लिए भगवान की तरह हैं, तो उनके लिए डेफिनेटली ये मूवी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और शाहरुख की एंट्री ने इसमें 4 चांद लगा लिया आई वुड से। मूवी में आप देखेंगे एवरी मोमेंट इज बेस्ट, शाहरुख की एंट्री और एक नया स्पॉयलर जो लास्ट में जनता देखेगी, वो इतना खूबसूरत है कि उसको अभी ना बताया जाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। सलमान भाई की पठान में जो एंट्री हुई थी, हाँ, शाहरुख की टाइगर 3 में, हाँ, आपको कौन सा फेवरेट लगा? मुझे ये वाले ये टाइगर 3 में एंट्री अच्छी लगी। हाँ देखा ना, हाँ मजा है, दोनों शाहरुख भी अच्छे है, अपनों का दोनों अच्छे लगे, पिक्चर भी मस्त है, पिक्चर में कोई ये नहीं है, सब सही है, दोनों देश के लिए जो लड़ते ना, वो अपनों को सही लगा है। हाँ
नहीं ऐसे कुछ नहीं है ना, वो करण अर्जुन की याद दिला दी, शोले की याद दिला दी, जय और वीरू की, अमेजिंग काम किया, मतलब बहुत मजा आया यार, आप जाके देखिए मूवी। मतलब शाहरुख सलमान जो पठान में शाहरुख ने वादा किया था कि मैं टाइगर में भी आऊंगा, वो वादा निभाया, और जो एक्सटेंडेड अपीयरेंस था शाहरुख खान ने बवाल कर भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ए सलमान भाई बहुत सी कमी है उसके अंदर में, और एक तो शाहरुख खान का काम अच्छा लगा, बाकी सब बेकार है, ये मत बोलना शाहरुख खान की फ्रेंड हूं मैं, नहीं उसका काम अच्छा लगा बस इतना है। सर शाहरुख की एंट्री सर लगी मुझे एक नंबर लगी, फाड़ू एंट्री थी उसमें पूरा पिक्चर पूरा खा लिया सर, सलमान और शाहरुख का जो एंट्री था 15 मिनट का पूरा पिक्चर खा लिया सर। पठान में सलमान की जो कैमियो था और इसमें शाहरुख का कैमियो, बोथ आर बेस्ट क्योंकि देखो 7 महीने पहले जो हम लोग उसमें देखे थे कि जहाँ पे सलमान भाई आए थे वो स्कार्फ वो एक अलग ही था, और यहाँ पे जब वो शाहरुख भाई जब वो बॉल फेंकते और झूमे जो पठान चालू होता है उससे पता चल जाता है भाई टाइगर की पार्टी में रखोगे तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आएगा ही, और वैसे ही फेम में शाहरुख सर आया वही लुक्स में, और जो बातें चल रही है शोले वाली जो बाइक चली है जब वो बोलते हैं ना बोले भाई तू इस पे बिठा रहा है जो यहाँ बैठा था वो तो मरता है, बोले तू बैठ खाली इसके ऊपर, बोले सीन हिट है, मजा आ गया भाई उधर पे पावर था। पठान में जो सलमान ने एंट्री मारा था वो बहुत ही अलग था, इसमें भी ठीक है 80% ठीक है, नहीं भी उतना 10 मिनट का शॉट लेते तो भी तो पिक्चर चली रही थी, नहीं भी आते तो भी बट पिक्चर तो चली रही थी, और वो गाना एक अच्छा था वो रूही रूही जो गाना है ना, इस बड़ी हाईलाइट थी मूवी की पठान, जब पठान आते ना आई रिक्वेस्ट टू लाइक किंग खान बादशाह बस वो लंबे बाल मत काटो यार, जब भी आप लंबे बाल रखते हो ना, डॉन में भी क्या लगे थे यार पठान में और इसमें भी, अब ओ गॉड इट्स इतना आवाज़ हुआ था, इतना आवाज़ हुआ था लाइक वही जब पठान की याद आ गई थी कि जब पठान में इतना आवाज़ हुआ था कि इतना एंट्री पे किसी का आवाज़ होता है वो खान की एंट्री पे होता है, सलमान की एंट्री हो शाहरुख की एंट्री हो, लेकिन पठान में जो आवाज़ हुआ था इट वॉज लाइक क्रेजी, ऐसा लग रहा कि शाहरुख की मूवी चल रही है यार, ऐसा लग रहा कि भाई की मूवी चल रही है, ऐसा कि शाहरुख की मूवी चल रही है। पठान की एंट्री सिक्वेंस बहुत ज़बरदस्त थी, और लास्ट में लाइक ही गोज विद द पैराशूट, आई होप कि वापस आए यार और एक सीक्वेंस हो कि लाइक टाइगर एंड पठान वापस मिले तो मजा आ जाएगा देखने के लिए। मेरे को दोनों फेवरेट लगा भाई, एक जगह पे हमारे सलमान भाई ट्रेन में से बचाने आते, दूसरा भाई पट हमारे टाइगर डॉट जमीन पे रहते और टाइगर जमीन से देखते पठान हवे से आ रहे, क्या सीन बनाया था यार, क्या सीन माइंड ब्लोइंग में बोलो, पठान का कैमियो माइंड ब्लोइंग, मतलब 15-20 मिनट का रोल है जिस वजह से कॉमिक टाइमिंग भी वो दोनों का कि दो दुपट्टा लेके उड़ते रहते हैं बस वो डायलॉग भी अच्छा है, फिर सलमान भाई लास्ट बोलते हैं बाल अच्छे लगते हैं बाल बड़े रख, तो मतलब पठान में जब सेकेंड पढ़ाएगा तो बाल बड़े रहेंगे हमारे, फिर पिक्चर खत्म होता है। मुझे एक शॉकिंग चीज लगी कि पठान आ गया तो उसमें मुझे बहुत मजा आया और कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली एंड ऑल दैट वाज चेरी ऑन द केक। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट एक्शन सीक्वेंस आई हैव, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग अ रियल हॉलीवुड स्टाइल, द टू वुमेन फाइटिंग आई थॉट इट वाज आउटस्टैंडिंग, वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड, I thought, see, the story was a little flat at times, but the action sequences more than made up for it, yeah. I know, right? I mean... I don't know why they didn't do it before. Pehle hi usko villainous roles kar lene chahiye the. Such a pleasant surprise, you know? Yeah, exactly. He's no longer the kissing hero, he's actually a genuine hero. Oh my god! You know, pehli baat to, the Pathan song plays, so you're like almost dancing to the aura, and then he comes, and the timing, and you know, I would not really call it a cameo, but it is a special appearance because Shah Rukh Khan was there for a very long period, and you know, there was goosebump scenes because those action sequence, for me, the cameo in Pathan was okay, but the cameo in Tiger 3 was superb. But they has to be scenes. One of the best Jodi. I mean, in Bollywood, you know, watching Shah Rukh and Salman together, I mean, nothing can get better than that. I mean, so, they come perfect. As Jai Veeru. Oh my God, you have to see yeah. that. So it oh is God, blockbuster. Please go and watch Tiger yeah. 3. Amazing, amazing. Shah Rukh, Salman, to are. अरे एंट्री एकदम जबरदस्त एंट्री है भाई, एकदम फुल कड़क आग लगा दिया भाई शाहरुख ने, फुल आग लगा दिया भाई, बहुत अच्छा लगा दोनों को देख, बहुत अच्छा लगा एकदम, एक नंबर मूवी है भाई, शाहरुख भाई का काम एक नंबर है, क्या बोल रहे भाई, एक नंबर बहुत अच्छे लगे, कटरीना कैफ ने इतनी खास नहीं, बाकी शाहरुख भाई और सलमान भाई एक नंबर है भाई, इमरान हाशमी ठीक है बाकी नहीं भाई के बराबर नहीं भाई, नहीं जवान जवान की जगह पे भाई और टाइगर टाइगर की जगह पे।
दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। सलमान शाहरुख पे भारी है, शाहरुख सलमान पे भारी है, दोनों ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लगी पिक्चर, उसके लिए देखनी चाहिए। सलमान खान और शाहरुख खान का शॉट, वो जो बीच में आया था, क्या बोलते हैं अपना, क्या शाहरुख खान हवा में उड़ाया बाल, लेकिन वो सीन एक नंबर थी भाई। टाइगर जवान का रिकॉर्ड ने तोड़ पाया, क्या बोलना चाहोगे? क्या जवान का रिकॉर्ड ने तोड़ पाया? नहीं तोड़ पाया, लेकिन दम थी, लेकिन उतनी नहीं थी। ठीक है भाई, एक नंबर भाई। शाहरुख खान की बोर्ड एंट्री बहुत अच्छी लगी मुझे, सलमान भाई की बोर्ड अच्छी लगी, पर जितना शाहरुख खान की अच्छी लगी मुझे। क्या अरे नहीं तोड़ेगा ना भाई, वो जवान है भाई, वो शाहरुख है भाई। भाई एक नंबर लगी, शाहरुख खान की एंट्री एक नंबर थी भाई। जवान का देखते भाई, अभी रिकॉर्ड टूटता है क्या? अभी तो एक दिन हुआ है ना भाई, आप तो देखते ना रिलीज होएगा, अभी कितना टाइम लगता है क्या? सलमान शाहरुख की भाई एंट्री एक नंबर की भाई, एक नंबर की, महागजब लागजब भाई, बहुत इमरान हाशमी की बहुत भाई, विलन की तो नहीं। शाहरुख को हटा के सलमान एक नंबर है, मुझे उसकी एंट्री अच्छी नहीं लगी। नहीं, वो उसके जो लंबे बाल हवा में हिल रहे ना भाई, ने बेइज्जती कर दी थी। एक नंबर। अरे शाहरुख क्यों आया था ब्रो, सलमान का मूवी है ब्रो। शाहरुख कौन है भाई, शाहरुख कौन है यहाँ पे? अभी सल्लू भाई खाली, सल्लू भाई, सल्लू है। सलमान भाई और शाहरुख भाई दोनों एकदम एक नंबर का काम किया, वो पिक्चर एकदम मजा है, एकदम उड़ेगी पिक्चर, कुछ भी कमी नहीं भाई, पिक्चर अच्छी लगी। शाहरुख खान और तीनों एक साथ आने वाले, उसके लिए पब्लिक ऑफिस आएंगी वॉर में, और कैमियो दोनों का एक नंबर था, एक नंबर। वो थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन पब्लिक सलमान खान लाएंगे, हुआ हुआ है। सलमान खान भाई, सलमान खान के आगे कोई बोल सकता है क्या? एक नंबर। चलो ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स दे डू वेल टुगेदर। शाहरुख भी अच्छा लगा, सलमान भी अच्छा लगा, उनके एक्टिंग एक्शन सब अच्छे लगे। मस्त मस्त मस्त, शाहरुख की एंट्री फुल मार्क्स, वो तो था ही ना। हाँ वो सीन सबसे बेस्ट था, जब पठान आया ना तो बहुत मस्त था। पिक्चर अच्छी, शाहरुख खान की एंट्री अच्छी है, और लेकिन शाहरुख खान का थोड़ा ज़्यादा रोल देना चाहिए था। एंट्री शाहरुख खान की लगी थी ना, उसमें मजा आया, उसके बाद तो चलती रही मूवी। सलमान भी अच्छा लगा, मगर लेकिन शाहरुख खान की एंट्री बहुत जबरदस्त थी। नाइस नाइस, अच्छी पिक्चर है। सलमान शाहरुख कैसे लगे? दोनों अच्छे लगे, बहुत सेम नाइस। सलमान शाहरुख कैसे लगे सर? ऑसम ऑसम, वेरी गुड। पठान एंड टाइगर, टाइगर टुगेदर, टू गुड, टू गुड। वी स्पेशली कम टू वॉच दिस मूवी एट गेटी फॉर सलमान ऑलवेज, क्योंकि उसको मैं 100 में से 20 मार्क्स दूंगा। शाहरुख खान की एंट्री को 100 out of 100। शाहरुख खान जो कूदे है हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में सीधा, अच्छा नहीं, मगर ये तो शाहरुख खान का सीन तो बहुत ही 100% रियल था। चोरी हुआ, पठान से चोरी किया हुआ था, मगर बहुत ही अच्छा था। मतलब हाँ सेम सेम पठान से, बहुत ही अच्छा। एक नंबर पिक्चर, पठान का कैमियो, सब कुछ अच्छा लगा। हाँ वो सबसे बेहतर। शाहरुख खान तो दिलों की धड़कन है, क्या बोलूँ शाहरुख खान के बारे में, लाखों दिलों की धड़कन शाहरुख खान। हाँ शाहरुख खान की एंट्री एक नंबर। आगे और तीन चार पिक्चर और आवे लोग की, सलमान सलमान है, शाहरुख शाहरुख है, शाहरुख मैं चाहता हूँ तो शाहरुख दिलों की धड़कन है, लाखों की लाखों दिलों की धड़कन शाहरुख खान। अरे रिकॉर्ड का क्या है भाई, रिकॉर्ड छोड़, मेरे सबके दिल में है भाई,
भाईजान सबके दिल में रिकॉर्ड्स तो आते रहते जाते हैं। रिकॉर्ड्स का ट्रेंड किसने चालू किया? YRF को 100 करोड़ किसने दिया? पहला 100 करोड़ किसने दिया? भाई ने दिया। YRF शाहरुख सलमान तो बेस्ट डुओ है। अभी अपने करण अर्जुन वापस आ गए मोटर बाइक पे, बढ़िया बढ़िया सीक्वेंस था उनका। पठान के बाद उनको वापस देखने में बहुत मजा आ गया। मुझे पठान में सलमान खान की एंट्री ज़्यादा पसंद आई, एक्सपेक्टेड नहीं था, इसमें थोड़ा आइडिया आ गया था कि है, पर दोनों की लाजवाब एंट्री थी। हम दूसरी बार देखने आए, बहुत मज़ा आ गया हमको। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और सलमान खान का तो मैं डाई हार्ट फैन ही हूँ एंड सुपर्ब। हर एक मूवी सलमान और शाहरुख की इधर गेटी में आके ही देखनी चाहिए। ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी नाइस। मूवी देखने का शाहरुख और सलमान, शाहरुख और सलमान तो एवर ग्रीन बॉन्ड है। भले बीच में थोड़ा वो लोग का आगे पीछे हो गया था, पर अभी जो वापस ब्रदरहुड वापस आया ना, वो लोग दोनों अगर एक साथ एक मूवी करेंगे ना तो 3000 करोड़ तो इंडिया में करेगा खाली। बहुत जोड़ी अच्छी है, एकदम बेस्ट, बहुत अच्छी, अच्छा। उसमें लाइक जब पठान की एंट्री हुई तब लाइक वो जो फाइटिंग का सीन था उसमें आधा टाइम तो हंस रहे थे और बाकी के लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। एंट्री मस्त किए थे। शाहरुख खान की एंट्री ज़्यादा बेटर थी इसमें। अरे सलमान शाहरुख तो दोनों भाई भाई है भाई, ये हमारे लिए भी भाई है। एक नंबर, अच्छी है, बहुत अच्छी। शाहरुख खान एक नंबर। मूवी में शाहरुख और सलमान का जो कैमियो था वो कैसा लगा? बहुत मस्त। मूवी की स्टोरी, मूवी की स्टोरी जो शाहरुख खान जो आता है लिफ्ट से, वो मस्त, बहुत जबरदस्त लगा। शाहरुख खान का जो कैमियो है, दोनों खान की जो जोड़ी थी, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा वो तो, और हम लोग तो उनको करण अर्जुन के टाइम से देखते आ रहे हैं, तो उनकी जो जोड़ी और आगे भी देखेंगे और मूवी में उन लोग आए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कैसी लगी मूवी? टाइगर ओवरऑल पिक्चर ठीक है, इसमें सबसे अच्छी मुझे शाहरुख की एंट्री लगी। शाहरुख की जब एंट्री होती है तो पिक्चर में थोड़ी जान आती है, लेकिन शाहरुख उसमें एक मेहमान का ही किरदार है, और जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था सलमान खान के लिए वैसा एक्सपेक्टेशन निकला नहीं। हाँ वो भी अच्छा लगा, मस्त लगा है। सनी देओल को लेना चाहिए था, मगर सबसे अच्छा सलमान खान का मस्त रोल लगा मेरे को। कंपेयर टू लेटेस्ट क्या देखी थी शाहरुख की, लेटेस्ट जवान, उसके कंपैरिजन में फ्लॉप है। हाँ शाहरुख खान वॉज द बेस्ट, बेस्ट कैमियो था शाहरुख खान का, इट वॉज वेरी गुड मूवी, नाइस, वेरी नाइस। एक ही शाहरुख, सलमान तो है ही ऐसे। दोनों की जो कैमियो लगी वो कैसी लगी? अच्छी थी, नाइस, एविडेंट। कैसी जो टाइगर थी वो अच्छी थी, थिएटर का था। शाहरुख को पहले ही बोला मैं, शाहरुख के अच्छा लगा। सलमान खान को देखे तो बहुत मजा आया, लेकिन जब पठान की एंट्री तो बस एकदम खतरनाक एंट्री था। ये मेरे को पठान से थोड़ा कम लगा, पर अच्छा था टाइगर से। ऐसा क्या था दोनों में जो आपको ये कम लगा? इसमें थोड़ा मतलब स्टोरी को फॉलो करते रहते हैं तो बहुत सीरियस टोन पे चलता है, पठान थोड़ा कॉमिकल टोन में था तो बहुत मज़ा आया। भाई मूवी के अंदर जब पठान की एंट्री होती है वो बहुत ही आइकॉनिक पॉइंट है मूवी का, उसके वजह से पिक्चर ऊपर बहुत ऊपर चली जाएगी बहुत। टाइगर के साथ में पठान का जो कैमियो आया वो कैसा लगा? वो पूरा दिवाली बोनस है हमारे लिए, क्योंकि पठान का कैमियो वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैमियो, बहुत अच्छा कैमियो था। कंपैरिजन की बात करें जवान और पठान में से आपको जवान